बैठी हूँ ऑफिस में। ये है हमारा ऑफिस स्कूल का। ये वाला जो डेस्क है वो हेडमास्टर सर का है, मतलब वो ट्रेनिंग पे गए हैं, कल से ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टूडेज ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है मेरे लिए भी और आप सभी के लिए भी, जो काफ़ी टाइम से मुझसे पूछ रहे थे आपकी ज्वाइनिंग का क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है और यहाँ तक कि मैं फर्स्ट डे अटेंड भी करके आ चुकी हूँ अपना स्कूल। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग साथ ये सब चीज़ शेयर करके, क्योंकि ना बहुत से कमेंट आ रहे थे कि आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, क्या हुआ है। क्योंकि मेरा था कि एक बार मैं ज्वाइन कर लूँ स्कूल, जाके पढ़ा आऊँ एक दिन, फिर उसके बाद आपके साथ तसल्ली से सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये वाला क्लिप देखिए, जब मैं और गौतम मना ज्वाइनिंग के डॉक्यूमेंट्स जो हमें मेल आए थे, फिर हमें स्कूल जाके वहाँ पे सबमिट कराने थे, ज्वाइनिंग लेटर लेना था वहाँ से, उसके लिए गए थे, वो क्लिप देखिए। तो ये रही वो क्लिप, निकल गए हैं, मतलब हो गया है, निकले हुए तो काफ़ी टाइम, हमको आधा घंटा तो हो गया होगा, है ना। हम लोग जा रहे हैं मेरे स्कूल में, महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में। आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया था, काफ़ी लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे आपकी ज्वाइनिंग कब है, ज्वाइनिंग कब है। तो फाइनली ज्वाइनिंग आ गई है, और जब हम घूमने गए थे मसूरी शादी से, उसके बाद ही ज्वाइनिंग आ गई थी। तो आज मैं और गौतम मना जा रहे हैं स्कूल फर्स्ट टाइम मेरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने। तो आज है सैटरडे, डॉक्यूमेंट देंगे और मंडे से फिर मैं स्कूल ज्वाइन कर लूँगी। तो गौतम मना आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, और नई जॉब के लिए और मन लगा के बच्चों को पढ़ाना, देश को प्रगति की पथ दिलाना है। अच्छा, और क्या, बच्चे देश का भविष्य है, उनको पढ़ाना अच्छे से। हाँ, ये बात तो है, बच्चों का भविष्य हमारे हाथों में है, टीचर्स के लोग सब पार्ट। तो बस अभी जा रहे हैं और परी और मम्मी घर पे हैं, पहुंचते हैं, वहाँ की अपडेट भी आपको देंगे। तो ये तो क्लिप थे जिस दिन हम हमारे ज्वाइनिंग लेटर वगैरह देके आए थे, वहाँ पे ज्वाइनिंग लेके आए थे। तो उसके बाद फिर मंडे, आज है ट्यूसडे, आज मैं ये ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ एडिटिंग करके। तो मैंने सोचा पहले आपको इंट्रो दे देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाए, आप कन्फ्यूज ना हो। कल मंडे को मेरा फर्स्ट डे था स्कूल में, बहुत अच्छा था। सभी बच्चों से मिली मैं, स्टाफ से पहले मिली थी, कुछ स्टाफ से नहीं मिली थी, उनसे मिली, बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग गोविंदगढ़ के ऑफिस भी गए थे, वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन रह रही थी वो करानी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक यू, मैंने इंस्टा पे रील भी शेयर की थी, आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, इतनी विशेज दी हैं, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो आप। तो अब आप आगे का व्लॉग देखिए जो मैंने मंडे को शूट करने की कोशिश की थी। प्लीज़ आप लोग समझना, अभी इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है शूट करना, क्योंकि बहुत बिजी सा सब कुछ चल रहा है। तो अब आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, तो आप पूरा व्लॉग देखिए, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें। तो मुझे स्कूल ज्वाइन करना था, इसलिए मुझे बैग और लंच बॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लेनी थी, तो मैं हैंडलूम गई थी और वहाँ से ये मैं बिलिंग करा रही हूँ बैग एंड लंच बॉक्स की। तो सुबह पहले उठते ही मैंने सबसे पहले अपना फ्रेशन अप वगैरह होके सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया, और आज सब्ज़ी में मैं बना रही थी लंच में ले जाने के लिए भी और ब्रेकफास्ट के लिए भी आलू और फली की सब्ज़ी। तो सबसे पहले ये मैंने डाल दिए प्याज लहसुन और हरी मिर्च तेल में, तेल गर्म होने के बाद। ये हमारी आलू और फली की सब्ज़ी तैयार हो गई, और मुझे ये सब्ज़ी पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, बना को भी और मम्मी को भी, तो और बनी भी बहुत ही टेस्टी थी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने बनाई रोटियां, पहले मैं सोच रही थी पराठे बना लूं, बट फिर इच्छा नहीं हुई, और मम्मी भी बोले और गौतम मना भी कि हम भी रोटियाँ ही खाएँगे, पराठे नहीं खाएँगे। तो फिर सबके लिए मैंने रोटियाँ ही बना दी थी, पराठे नहीं बनाए। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडेज व्लॉग, एंड साथ ही बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। तो मैं 7 बजे उठ गई थी और अभी मैंने खाना बना लिया है, आलू और फली की सब्ज़ी बनाई है और रोटियां बना दी हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मुझे 9 बजे निकलना है स्कूल के लिए, स्कूल का टाइम है 10 से 4।
तो यहाँ से 9 बजे निकलूँगी, तब 1 घंटे का रास्ता है मेरे घर से, तब मैं सही टाइम पे स्कूल पहुँच पाऊँगी। तो अभी 8 बज गए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के उसके बाद लंच वगैरह अपना पैक करूँगी, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर निकलेंगे स्कूल के लिए। तो जुड़े रहना मेरे साथ, आपको पूरा ब्लॉग शेयर करेंगे। यहाँ मैं स्कूल में पहुँच गई थी और मेरे पहुँचती बैल भी लग गई थी असेंबली के लिए, सभी बच्चे इकट्ठा हुए हैं। मेरा फर्स्ट पीरियड था 8th क्लास में, लेकिन ये है सेकंड पीरियड जो कि लगा था 7th क्लास में। तो आज बच्चों का एग्ज़ाम था, तो बच्चे अपने उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। और बच्चों के जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद फिर हमें पीरियड्स अलॉट होंगे कि किस क्लास में क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है। अभी कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, 2-3 दिन बाद सब्जेक्ट अलॉट होंगे। तो यहाँ पे ये गर्ल्स ना मेरी तारीफ़ कर रही थी, मैम आप बहुत सुंदर लग रहे हो। बच्चों की आदतें होती हैं ना टीचर्स को मस्का लगाने की, इसलिए मैं हंस रही थी। और पीछे 2 गर्ल्स बैठी थी, फिर मैं उनका काम देखने चली गई थी। मतलब आज कुछ पढ़ाने को नहीं था, बस देखना था कि बच्चे हाँ अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कि नहीं। हे गाइस, तो ये मेरा था फ्री पीरियड, लंच के बाद एक पीरियड अभी मैं लेके आई हूँ 4th क्लास में। सो अब मैं बैठी हूँ ऑफिस में, ये है हमारा ऑफिस स्कूल का। ये वाला जो डेस्क है वो हेडमास्टर सर का है, मतलब वो ट्रेनिंग पे गए हैं, कल से ज्वाइन करेंगे। तो एक मैम है सुनीता मैम, वो हैंडल कर रही है अभी सब। बाकी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा आज का, बहुत ही मज़ा आया। और अभी 2 पीरियड और बचे और हमें CMO ऑफिस जाना है, जो हम न्यू ज्वाइनिंग है हम दोनों को ही, मैं और संजय सर महेंद्रगढ़ से हैं और मैं हूँ जयपुर से, आप लोगों को पता ही है। तो ये है आज का स्कूल का, ये है हमारा ऑफिस। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा था, आके थोड़ा सा थक गई थी कि ड्राइव थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, 45-50 मिनट्स की स्कूटी की ड्राइव थी। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आया। और ना अच्छा स्टाफ है, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। तो अब हो गई है शाम, 7 बज गए हैं, खाना वगैरह बनाएंगे। और परी ने भी अपने दादी साहब के साथ बहुत कोऑपरेट किया, परेशान नहीं किया, थोड़ा सा रोई थी सुबह, उसके पापा गए थे। जब मैं गई थी तब तो वो सो ही रही थी, बट इसके पापा गए तभी जग गई थी। इससे पूछते रुको, परी इधर देखो, इधर आओ, मम्मा कहाँ गई थी? टॉफी लेने गई थी मम्मा। आपके लिए लाई थी क्या मम्मा टॉफी? टॉफी लेने गई थी, नानू को कह रही मम्मा टॉफी लेने गई थी। टॉफी लेने नहीं गई थी मम्मा, स्कूल गई थी। कहाँ गई थी मम्मा? मम्मा स्कूल गई थी। तो मैंने जितना पॉसिबल हुआ स्कूल का आपको शूट कर रहा थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बच्चे होते हैं तो अच्छा ऐसे नहीं लगता है बच्चों के सामने वीडियोस वगैरह बनाना। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि अलाउ नहीं है या कुछ, ऐसे ऑब्वियसली ऐसे ब्लॉगिंग बनाना अलाउ नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। फिर फर्स्ट डे था तो ट्राई किया मैंने जितना मैं शेयर कर सकती थी। तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, मतलब ऑब्वियसली अच्छा लगता ही है। आप एक ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में जब आपको एज अ टीचर जॉब मिलती है, आप काम करते हो, आपकी सब इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। ये अब अपने घर के डेली रूटीन काम में लग जाते हैं, खाना बनाते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग प्लीज़ शेयर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली, और इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट करती रहिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।